नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी जॉब्स में। तो दोस्तों, आज है संडे और सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग का संडे का स्पेशल करेंट अफेयर का सेक्शन चलता है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर 2018 तक के सभी महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम जितने भी हैं IAS, UPSC, PCS, SSC, बैंक, MBA या फिर अदर कंपटीटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये देखिए दोस्तों, ये पार्ट टू है। पार्ट वन इसका ऑलरेडी मैं पिछले संडे को अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वीडियोज़ को देख लेने। और इस वीडियो का आपको PDF भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2017 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। वर्ष 2017 में भारत ने रक्षा पर कितनी राशि खर्च की। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाएगा, भारत 2017 में 5वां सबसे बड़ा क्या है, सैन्य पर खर्च करने वाला देश है। 2017 में कितना रैंक पर था इंडिया, 5वां। इसमें आपको बजट बताना है कि कितना रुपया इसमें खर्च हुआ। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। $63.9 बिलियन $2017 में भारत ने खर्च किया था, जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या था, 5वां नंबर पर था, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश भारत बना है। चलिए फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अंतरिक्ष एवं सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के सबसे पहले कार्बन फाइबर यूनिट में निवेश कर रही है। क्या भारत में सर्वप्रथम कार्बन फाइबर यूनिट में निवेश कर रही है, तो कौन सी कंपनी है। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो रिलायंस उद्योग है वह क्या किया, सबसे पहले कार्बन फाइबर यूनिट में निवेश कर रही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रिलायंस उद्योग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लियर, यमुना बाई वाईकर जिनका मई 2018 में निधन हो गया, वे किस शैली में एक प्रशंसित गायिका थी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है भटियाली, सूफी फोक, लावणी, पांडवानी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो लावणी है उस शैली में यमुना बाई वाईकर जिनका मई 2018 में निधन हो गया, वो लामनी शैली में एक प्रशंसित गायिका रही हैं, गायिका ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग, किस देश ने अपने पहले गृह निर्मित विमानवाहक का समुद्री परीक्षण शुरू किया है। तो कौन से देश ने शुरू किया है, ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, भारत। तो देखिए यहाँ पे किसी की बात हो रहा है, पहले गृह निर्मित विमानवाहक का समुद्री परीक्षण किसने शुरू किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चीन देश ने ये परीक्षण शुरू किया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है भारत की पहली उन्नत DNA फोरेंसिक प्रयोगशाला सखी सुरक्षा किस शहर में आएगी। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़ और फिर भोपाल। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़, जो जगह है वहाँ पे भारत की पहली उन्नत DNA फोरेंसिक प्रयोगशाला यानी कि सखी सुरक्षा यहाँ पे लाया जा रहा है चंडीगढ़ में। क्या सखी सुरक्षा चंडीगढ़, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों यानी कि SC के भूमिहीन मजदूरों को कृषि भूमि हासिल करने में मदद करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने इस योजना का शुरुआत किया, ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार और फिर असम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो महाराष्ट्र राज्य है उसका महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों SSC के भूमिहीन मजदूरों को कृषि भूमि हासिल करने में मदद करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, अप्रैल 2018 में भारत के उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटीज अनबंडल
पुस्तक जारी किया गया, स्मार्ट सिटीज अनबंडल पुस्तक जारी किया है। स्मार्ट सिटीज अनबंडल के पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे आपको देखिए बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इस सेक्शन में ऐसे ही करके हम लोग जितने भी सेक्शन से करेंट अफेयर पूछे जाते हैं सारे सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक तो आपको जरूर ही देखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है डॉक्टर संजय वर्मा, डॉक्टर हरीश शर्मा, डॉक्टर समीर शर्मा, डॉक्टर ए के सक्सेना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर समीर शर्मा लेखक हैं पुस्तक के, कौन सा पुस्तक है, स्मार्ट सिटीज अनबंडल के लेखक कौन है, डॉक्टर समीर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, देश के उच्च संकल्प पृथ्वी अवलोकन परियोजना के हिस्से के रूप में किस देश ने सफलतापूर्वक एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह कौन है गाइफेन फाइव क्या गाइफेन फाइव का लॉन्च किया है। तो किस देश ने इस किसको लॉन्च किया है गाइफेन फाइव को, तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन और फिर जर्मनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि चीन ने ही लॉन्च किया है गाइफेन फाइव, जो यहाँ पे आपको परियोजना है इसको लॉन्च किया है चीन ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, आदि रानी कलिंग जनजातीय रानी प्रतियोगिता में भारत की पहली जनजातीय रानी के रूप में निम्न में से किसे ताज पहनाया गया क्या कि निम्न में से किसे ताज पहनाया गया है। ऑप्शन है यहाँ पे रश्मि रेखा, हंसदा, एन कृष्णन, पल्लवी दुरुआ और फिर पंचमी माजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पल्लवी दुरुआ को आदि रानी कलिंग जनजातीय रानी प्रतियोगिता में भारत की पहली जनजातीय रानी के रूप में नियुक्त, मतलब उनको ताज पहनाया गया पल्लवी दुरुआ को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग का, किस राज्य सरकार ने पॉकेट कॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है क्या पॉकेट कॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य आपराधिक अतीत वाले लोगों के पूर्व लोड किए गए डेटा और अन्य सूचनाओं वाले स्मार्टफोन पुलिसकर्मियों को प्रदान करना है। तो यहाँ पे देखिए पॉकेट कॉप के बारे में बात हो रहा है, इसका उद्देश्य भी यहाँ आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। और चलिए इसका देखते हैं किस राज्य ने इसको जारी किया, ऑप्शन है हम लोग का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और फिर महाराष्ट्र। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, जो गुजरात राज्य सरकार ने इस पॉकेट कॉप प्रोजेक्ट की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ क्या है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक को निम्न में से किसके व्यक्तित्व पर लिखा गया क्या अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ऑप्शन है गौतम गंभीर, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, अजय जडेजा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सौरभ गांगुली के व्यक्तित्व पर आधारित है अ सेंचुरी ऑफ इज नॉट इनफ क्या है और सेंचुरी इज नॉट इनफ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौरभ गांगुली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, केंद्र सरकार ने खिलाड़ी गोहेला बोरो को 5 लाख की विशेष वित्तीय सहायता मंजूर किया क्या 5 लाख की विशेष वित्तीय सहायता मंजूर की है वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। क्या बात हो रहा है यहाँ पे, कौन से खिलाड़ी के बारे में, गोहेला बोरो के बारे में बात हो रहा है, तो कौन सा खेल खेलती हैं। ऑप्शन हम लोग का क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी और फिर हॉकी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वो क्या खेलती हैं, तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं गोहेला बोरो। तो इससे आपको क्वेश्चन बनेंगे कि गोहेला बोरो किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे क्या प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में होंगे, तो कौन सा किस देश के प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन है फ्रांस, मॉरिशस, म्यांमार और फिर जापान। तो किस देश के होंगे, तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री है वही मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के उपलक्ष्य में, मॉरिशस यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डाक द्वारा आयात और निर्यात को सुव्यवस्थित करने पर विचार विमर्श करने हेतु भारतीय सीमा शुल्क और भारतीय डाक विभाग के पहले संयुक्त सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है। तो किस शहर ने किया है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है
पटना, लखनऊ, नई दिल्ली और फिर है क्या मुंबई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो नई दिल्ली है उसने मेजबानी की है किस चीज़ के, भारतीय सीमा शुल्क और भारतीय डाक विभाग के पहले संयुक्त सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, नई दिल्ली ने की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, संस्कृत और समुदाय के लिए 2018 नेकी एशिया पुरस्कार, देखिए क्या है नेकी एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज अपलोड किया, जैसे कि नोबेल प्राइज़ का वीडियो मैंने अब ऑलरेडी अपलोड किया, वो करेंट अफेयर की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या ट्रिक के माध्यम से मैंने कंप्लीट करा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी यहाँ पर आपको जाकर के देख लेना। चलिए यहाँ पर अब चलिए ऑप्शन की ओर जाते हैं, ऑप्शन है एस एन तिवारी, एम के नारायण, कसलियास सत्यार्थी, बिंदेश्वर पाठक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदेश्वर पाठक हैं संस्कृति और समुदाय के लिए 2018 ने की एशिया पुरस्कार सम्मानित किया गया, बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है यह सम्मान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे चुना गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे क्वेश्चन ही तो पक्का आने वाला ही है, क्या है राज्यसभा के उपसभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है गुलाम नबी आज़ाद, अरुण जेटली, हरिवंश नारायण सिंह, जसवंत सिंह, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है, हरिवंश नारायण सिंह, इसको आपको नाम को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वदेशी नागरिक दिवस, मतलब इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल, मतलब कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वदेशी नागरिक दिवस। ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का 10 अगस्त, 9 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वदेशी नागरिक दिवस, ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, गोवा पर्यटन विकास निगम द्वारा निम्न में से कौन सी ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू किया गया, क्या गोवा पर्यटन विकास के द्वारा कौन सा ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू किया गया, ऐप जो किससे रिलेटेड है, टैक्सी सेवा से रिलेटेड है, कौन सा ऐप यहाँ पर शुरू किया गया। ऑप्शन है गोवा माइज, मिलो गोवा, माई गोवा, गोवा चलो, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा माइल्स के नाम से वो ऐप शुरू की गई है गोवा पर्यटन विकास निगम द्वारा, क्या है गोवा माइल्स ऐप किससे रिलेटेड है, टैक्सी सेवा से रिलेटेड है गोवा माइल्स ऐप, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न मंत्रालयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जानकारी की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए निर्यात मित्रा लॉन्च किया, क्या निर्यात मित्रा लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है गृह मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, क्या निर्यात मित्रा किसने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है निर्यात मित्रा को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, किस शहर ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की मेजबानी किया, क्या 18वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की मेजबानी किसने की है। तो ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, पणजी, कोलकाता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता शहर ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की मेजबानी की है, मतलब कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह कहाँ पे हुआ है, तो कोलकाता में हुआ है, जो कि कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में स्थित, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का, कबीर महोत्सव 2018 का आयोजन 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जाएगा, यह महोत्सव का कौन सा संस्करण है। देखिए यहाँ पे आपको पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर इसमें कंप्लीट हो जाने वाला है, जो कि यहाँ पे देखिए मैंने टॉप 100 को इसमें चुना है, तो हो सकता है इसमें से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इसी सारे क्वेश्चन से ही देखने को मिले। तो यहाँ पे देखते चलिए कौन सा यहाँ पे महोत्सव कौन सा संस्करण मनाया गया, ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा महोत्सव संस्करण है, तो तीसरा संस्करण मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कबीर महोत्सव 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है।
फिनिश करता है। देखिए यहाँ पे एशियाई खेल 2018 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने एशियन गेम्स पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ बहुत ही अच्छे से उसमें, तो वहाँ पे भी आप जा करके करेंट अफेयर का ही प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिलेगा, सबका लिंक वहाँ पे नीचे मिलेगा, सारा जाके आपको वीडियो देख लेना है। ये भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होगा, भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो ऑप्शन है यहाँ पे किदंबी श्रीकांत, तेजेंद्र तूर, साइना नेहवाल, नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा, जो कि क्या है, भाला फेंक खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा, क्यों कौन से खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से, क्या है, भाला फेंक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, क्या है, एक जिला एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन की टैगलाइन क्या थी, क्या जो शिखर सम्मेलन रामनाथ कोविंद ने मतलब राष्ट्रपति ने किया है, एक जिला एक उत्पाद नाम का शिखर सम्मेलन, उसका टैगलाइन क्या था? तो ऑप्शन है यहाँ पे, विश्वास की एक परंपरा, साथ में हम कर सकते हैं, जहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिबद्ध है, नई उड़ान नहीं नई पहचान, क्या, नई उड़ान नहीं पहचान। तो उसका टैगलाइन कहाँ था, क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, नई उड़ान नई पहचान, यहाँ पे आपका इसका टैगलाइन था। यहाँ पे अच्छे से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका PDF भी डाल दिया हूँ, तो उसका भी आप जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि IYD इंटरनेशनल यूथ डे 2018 का विषय क्या है, क्या विषय था? ऑप्शन है, युवाओं के लिए सुरक्षित स्थान, युवा निर्माण, शांति, युवा और मानसिक स्वास्थ्य, युवा और नागरिक जुड़ाव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, युवाओं के लिए सुरक्षित स्थान ही उसका विषय था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2018 का, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जनरली एग्जाम में देखा जाता हो कि कोई भी टॉपिक से क्या उसका विषय पूछा जाता है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, उसका शुभंकर भी पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इस सब क्वेश्चन को इंक्लूड करा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन ही है, निम्न में से कौन सा माइक्रो ATM के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आईडी प्रमाणीकरण शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? क्या हाँ कच्ची का बात हो रहा है कि देखिए यहाँ पे ATM के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आईडी प्रमाणीकरण शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया, कौन सा बैंक इसमें पहला बैंक है भारत का? तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, कॉरपोरेशन बैंक, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्सिस बैंक भारत का पहला बैंक बना है जो कि ATM के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आईडी प्रमाणीकरण शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में 25 क्वेश्चन को कवर किया, बाकी आपका 25 क्वेश्चन और फिर 25 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन बाकी हैं, नेक्स्ट संडे कर करके आपको वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका SSC GD का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में है फेब में, और फिर SSC STENO का भी है, तो इसका अच्छे से तैयारी आपको करना है, और PDF लिंक आप नीचे से जा करके डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू, जय हिंद।